Next we have gram atomic mass, gram at molecular mass, and gram formula mass. Okay, so we're gonna be talking about this. Basically आप इसको जो है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास भी कह सकते हैं. ग्राम का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोग यूनिट्स ग्राम लगाएंगे. जैसे प्रीवियस में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब पहले जब हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास पढ़ रहे थे तो उसमें यूनिट जब हम यूज कर रहे थे दैट वॉज ए एम यू, मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट. बट फॉर सम रीजंस इंस्टेड ऑफ फॉर एटॉमिक मास यूनिट वी यूज ग्राम, तो हम लोग उसमें फिर ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास यूज करते हैं. और इसको जो है इन तीनों को भी हम मोल भी कहते हैं. ओके, सो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट ग्राम एटॉमिक मास. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास. यानी कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर हम ग्राम यूनिट यूज करते हुए बताएं, दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास. It is also called as one mole. यानी किसी भी element का one mole, किसी भी element का atomic mass, अगर हम gram unit use करते हुए express करें, then that is known as gram atomic mass. इन्होंने example दिया है, for example, 1 gram of atom of oxygen is 16 gram, और वो 1 mole of oxygen atom होता है, क्योंकि उसका atomic mass 16 है. Same, 1 gram atom of carbon is 12 grams, that is also 1 mole of carbon. 1 gram atom of nitrogen is 14 grams, 1 mole of nitrogen. ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी एटॉमिक मास को इंस्टेड ऑफ ए एम यू, एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे अगर आप ग्राम यूज करते हैं यूनिट, तो वो हो जाएगा आपका ग्राम एटॉमिक मास. नेक्स्ट वी हैव इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास. यानी कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, देन अगर आप उस मास को, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स यूनिट यूज करते हुए एक्सप्रेस करेंगे, देन द मास विल बी नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास. इट इज आल्सो कॉल्ड एज वन मोल. ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का वन मोल आप निकालेंगे, एंड मोल इज एनीथिंग एक्सप्रेस इन ग्राम. तो अगर आप ग्राम यूनिट यूज करेंगे, देन ऑटोमेटिकली इट्स अ ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ऑक्सीजन का देखें, यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि 1 gram ऑफ ऑक्सीजन इज 16 gram. ठीक है, अब उन्होंने कहा 1 molecule की बात हो रही है, तो वो यानी 2 हो गया, 16 times 2 is 32, 32 gram बन गया इनका मॉलिक्यूल का. इसी तरीके से वाटर का है H2O, H का 2 हो गया क्योंकि नीचे 2 दिया हुआ है उन्होंने सबस्क्रिप्ट में, एंड O इज 16, 16 प्लस 2 इज 18. इसी तरीके से इथेनॉल जो है, इथाइल अल्कोहल जो है, दैट इज C2H5OH, वो बन गया आपका 46 ग्राम. ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है कि अगर आप किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं यूजिंग द यूनिट ग्राम्स, तो आप जो है उसको कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास. यानी कि अगर सवाल में आपको कैलकुलेट कहा गया है, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो आप सॉल्व करने के बाद आखिर में आंसर में ग्राम डालेंगे. इसी तरीके से इफ यू आर सॉल्विंग एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद यू हैव टू यूज AMU, एटॉमिक मास यूनिट. आफ्टर दैट वी हैव ग्राम फॉर्मूला मास. द फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज ग्राम फॉर्मूला मास. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन मोल. यानी किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे, अगर वी गोना यूज द यूनिट ग्राम, अगेन इट्स अ ग्राम फॉर्मूला मास. एंड सिंस वी आर यूजिंग द यूनिट ग्राम, तो यानी कि वो हो जाएगा 1 mole के बराबर. लाइक 1 gram फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज 58.5, क्योंकि Na होता है 23 grams, Cl होता है 35.5 gram, ऐड कर लेंगे 58.5 gram बन जाएगा. इसी तरीके से 1 gram फॉर्मूला मास ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन कहते हैं, दैट इज 100 gram. तो ये आपका ग्राम फॉर्मूला मास होगा. यानी ग्राम जब आ जाएगा किसी मास से पहले, तो वी हैव टू यूज द यूनिट ग्राम. अगर ग्राम का जिक्र नहीं है, देन वी विल यूज द यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट. नेक्स्ट वी हैव मोल. आपने प्रीवियस वाले डेफिनेशंस में नोटिस किया होगा दैट द ग्राम फॉर्मूला मास, द ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, सब में कहा गया था दैट दे आर ऑल 1 mole. ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या कॉमन चीज आ रही है, दैट ऑल ऑफ दीज मासेस आर बीइंग एक्सप्रेस इन ग्राम्स. So the atomic mass, molecular mass, and formula mass of a substance expressed in gram is known as mole. A mole is defined as amount of substance containing equal to the Avogadro's number,
6.02 × 10^23। ठीक है, यानी एक आप एलिमेंट ले रहे हैं, ये एक एटम ले रहे हैं, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23। अगर पार्टिकल्स मौजूद हैं उसका वजन कितना होगा, दैट इज मोर। यानी अगर आप मॉलिक्यूल भी ले रहे हैं, लेट सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक लेट सपोज एन ए सी एल का मास आ रहा है 58.5। इन 58.5 ग्राम्स के अंदर कितने आपके पास आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक यूनिट्स होंगे, 6.02 × 10^23। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन है 16 ग्राम इन 1 ग्राम एटम, तो उसका मतलब क्या है कि 16 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन में अगर हम 16 ग्राम लेंगे तो वो 16 ग्राम बराबर होगा 6.02 × 10^23। सिमिलरली अगर हम वाटर की बात कर लेते हैं तो उसमें क्या है, 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 6.02 × 10^23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। तो ये कॉन्स्टेंट उन्होंने दे दिया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग इक्वल टू द अवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10^23। तो इतने अगर पार्टिकल्स किसी चीज़ में मौजूद होगा तो उसका जितना ही वजन बनेगा, दैट विल बी अ मोल, चाहे वो एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, फॉर्मुला मास हो, इफ इट्स बीइंग एक्सप्रेस इन ग्राम्स देन इट इज नोन एज मोल। ओके ओके, सो वी ऑलरेडी नो व्हाट मोल इज। अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ Na, Na मींस सोडियम। ठीक है, सो Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम। अब ये कह रहा है कि 40 ग्राम अगर हम सोडियम का लें तो उसमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स। सो सवाल में हमें बता दिया दैट वी हैव 40 ग्राम, तो हम लोगों ने लिख दिया दैट गिवन मास ऑफ Na इज 40 ग्राम। ये सवाल में हमें यहाँ पे गिवन था। एंड देन जब हम पीरियडिक टेबल यूज करेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा दैट Na का जो मोलर मास है, द एटॉमिक मास ऑफ Na इज 23। ओके, सो ये हमने मोलर मास हमने जो है सोडियम का निकाला है एलिमेंट का, वो आप पीरियडिक टेबल से निकालेंगे एंड गिवन मास विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, जितना हमें पता चल गया दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ Na, 40 ग्राम हमारा जो है गिवन मास हो गया, एंड देन फ्रॉम द पीरियडिक टेबल यू विल नो दैट Na हैज अ मोलर मास ऑफ 23। उसके बाद ये है टू फाइंड हमें करना है, यानी सवाल मांग कह रहा है, सवाल क्या चीज कैलकुलेट करना कह रहा है, सवाल कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो इस लिहाज से हम लोग टू फाइंड में लिख देंगे दैट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। फिर अब नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि जो गिवन मास हमें सवाल में गिवन होगा वो डिवाइड करेंगे हम लोग मोलर मास से, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हैं। सो अब सॉल्यूशन में हम लोग दोबारा से फॉर्मूला रिपीट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो केमिस्ट्री के अंदर याद रखिएगा व्हेन यू स्टार्टिंग द सॉल्यूशन आप लोगों को फॉर्मूला दोबारा से रिपीट करके लिखना होगा, यानी फॉर्मूला वाला सेक्शन में तो फॉर्मूला लिख दिया हमने, सॉल्यूशन में भी फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द फॉर्मूला। ओके, तो वही फॉर्मूला हम लोग नीचे उतार दें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब गिवन मास देखें, फ्रॉम द डेटा वी नो दैट गिवन मास इज 40 ग्राम। ओके, ये 40 ग्राम हमने यहाँ पे लिख दिया, एंड देन वी नो फ्रॉम द मोलर मास दैट फ्रॉम द डेटा दैट मोलर मास यहाँ पास 23, ये 23 हमने इधर लिख दिया। ओके, सो द नंबर ऑफ मोल्स में हमने क्या फॉर्मूला है, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, गिवन मास है हमारे पास 40 एंड देन मोलर मास है हमारे पास 23, तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने फाइंड कर दिया, मतलब लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 40 डिवाइड बाय 23, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.73 मोल्स ऑफ सोडियम। यानी कि 23 को हम लोग 40 से डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइड बाय 23 एंड वी विल फाइंड 1.73 मोल्स। यानी कि हमें जो सवाल कहा गया था कि हमें 40 ग्राम ऑफ सोडियम में फाइंड करना है कि उसके अंदर कितने मोल्स हैं, तो डिवाइड करके सिंपली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो डिवीजन के बाद हमारा आंसर आ रहा है 1.73, सो 1.73 मोल्स ऑफ Na 40 ग्राम बनाता है। ओके, नाउ लेट्स गो मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इस बार कह रहा है कि वजन फाइंड करें, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ CO2। यानी हमें बता दिया गया कि वे ये 4 मोल्स ऑफ CO2, तो उसका भी इसमें मास फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगेन हमें यहाँ पे सवाल में गिवे है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 4 मोल्स। 4
फोर मोल्स हम लोगों ने यहाँ पे डेटा में पुट कर दिया। अब मोलर मास, मोलर मास एलिमेंट अगर होता ये, अगर यहाँ पे टू नहीं होता, अगर ये एलिमेंट होता तो हम लोग पीरियड टेबल से फाइंड कर सकते थे, बट सिंस दिस इज अ कंपाउंड या मॉलिक्यूल तो हम यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी हमें डेटा में शो करना पड़ेगा किस तरह से। अब देखें सी के राइट में कोई भी नंबर नहीं है, राइट में कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स इट्स वन। ठीक है, अब सी की वैल्यू क्या है, 12, तो 1 12 लिख दिया हमने, फिर प्लस की निशानी। ओ के राइट में है 2, मीन्स 2 एटम्स, 2 लिख दिया हम लोगों ने, ओ का वजन होता है 16, सो 2 टाइम्स 16 लिख दिया। 1 टाइम 12 इज 12, 2 टाइम 16 इज 32, 12 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 44, तो मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 44। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट करके लिख दिया, दैट मोलर मास ऑफ CO2 इज 44। उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि फिर हमें सेकंड स्टेप क्या होता है हमारे पास, डिफाइन। डिफाइन में क्या कर रहा है कि सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, क्या चीज कैलकुलेट करने को कह रहा है, कैलकुलेट करने को कह रहा है द नंबर ऑफ, सॉरी द मास ऑफ CO2, तो वो हम लोगों यहाँ पे लिख देंगे, द मास ऑफ CO2 हमें फाइंड करना है, तो इसमें डिफाइन में लिख दिया। एंड देन इसका फॉर्मूला क्या है, मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, एंड जितने ही मोल्स गिवन है उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि CO2 में कितना वजन है। नंबर ऑफ मोल्स देखिए हमें क्या गिवन है, 4 मोल्स गिवन है, तो हम लोगों ने 4 लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स में, देखिए नंबर ऑफ मोल्स हमें डेटा में गिवन है 4, तो हम लोगों ने 4 लिख दिया। आफ्टर दैट हमारे पास मोलर मास क्या हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, 44, ये 44 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स 44, द आंसर इज 176 ग्राम। ठीक है, यानी कि अगर आपको मोल्स फाइंड करने हैं यू विल हैव टू डिवाइड, और अगर मास फाइंड करना है यू विल हैव टू मल्टीप्लाई। ओके, तो आप लोगों को जो होमवर्क मिलेगा इसी दो फॉर्मूला को यूज करते हुए, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, जो होमवर्क में आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व इट ऑन योर केमिस्ट्री कॉपी। अल्लाह हाफिज़।